हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज आपका अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी में लेसन 2 पढ़ेंगे, जो होगा ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर। और पहले लेसन में हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। जब हमने पहले वीडियो की शुरुआत की थी, उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताया था। वहाँ पर मैंने ये सी का काउंसलिंग बोल दिया था, जो कि काउंसिल होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसका हिंदी नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। बोलने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आज का हमारा लेसन होगा, लेसन नंबर 2 होगा ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोली नहीं है, अर्थात गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चिपटी, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एवं एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब का परिभाषा ही होता है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल होता है। चलिए आगे बढ़ते हम देखते हैं। दिया है ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब क्या होते हैं? ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। अगर आप ग्लोब देखे होंगे तो वह घूमता रहता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पे क्या किया जाता है? द्वीपों महाद्वीपों को सही आकार में क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। आगे यहाँ दिया हुआ है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति को कैसे बताया जाए। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसके कहने का मतलब है, यदि हम पृथ्वी के समान कोई गोला बना ले और हमें वहाँ पे किसी देश या महाद्वीप को दिखाना हो तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? तो हम अक्षांश और देशांतर की सहायता से इसे बहुत आसानी से दर्शा भी सकते हैं और इसे दिखा भी सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। चलिए आगे भी आपको समझ में आएगा, आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। एक सुई ग्लोब के झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहते हैं। क्या सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जो झुकी हुई अवस्था होती है उसे अक्ष के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी का वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए अब यहाँ बता दें क्या इसके कहने का तात्पर्य क्या है, इसे हम देख लेते हैं। तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये हमारा ग्लोब है, यदि ये हमारा ग्लोब है तो इसके बीच से एक सुई जाती है, जो ग्लोब में तो होती है लेकिन पृथ्वी में नहीं होती। इसके जो उत्तर वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और तो दक्षिण में होता है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव होती है। वास्तव में पृथ्वी में ऐसा कोई सुई नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखें एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम 0° अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिया है कि वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन आदि नामों से जाना जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यदि हम पृथ्वी को बीच से बांट दें तो उत्तर वाले भाग को अर्थात नॉर्थ वाले भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से
जानते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, यह दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, अर्थात ये जो दोनों 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 गोले होते हैं वह बराबर होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त मानी जाती है। यदि हम भूगोल में पृथ्वी पर किसी ग्रह पर किसी रेखा की बात करते हैं तो वो हमेशा काल्पनिक होती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहते हैं, अर्थात ग्लोब से उत्तर की ओर बढ़ती हुई जो समांतर रेखाएं होती है उसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। अक्षांशों को अंश से मापा जाता है, जो अक्षांश होते हैं वो उन्हें अंशों के माध्यम से मापा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, तो आगे यहाँ दिया गया है विषुवत वृत्त, जो विषुवत वृत्त होता है वह शून्य अंश को दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है, यदि हम ऐसे ऐसे कर दिया, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसे हम बार देंगे तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इसी प्रकार इसके पीछे का एक भाग होता है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इस प्रकार सब चार भाग है। तो यहाँ दिया गया है, साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है, तो 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है, क्योंकि यह इस प्रकार होती है, ऐसे होती है, इसलिए इनकी संख्या कितनी होगी, 90 180 भी संख्या भी हम बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, अर्थात जो अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, और जो अक्षांश रेखाएं दक्षिण में पड़ती है उसे हम दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त 20 अंश उत्तर एवं बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त 20 अंश दक्षिण में स्थित है। यदि से मैं आपको चित्र के समझाना चाहे तो कि ये हो गया, जो क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में वो यहाँ पे है, जो भारत में है वो यहाँ पे है, तो यह उत्तर में है, यह दक्षिण में है। चलिए आगे देखते हैं, चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांशों का आकार घट जाता है। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्लोब बना हुआ है और इसके बीचों बीच से विषुवत रेखा, इसके बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। इसके उत्तर में जैसे बढ़ते हैं तो अक्षांशों की जो रेखाएँ हैं वह कम होती जाती है, इसी प्रकार दक्षिण में भी यह कम होती जाती है, यही ये बात यहाँ पे यह कह रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ अक्षांश रेखाओं के नाम दे दिए गए हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम उत्तरी शीतकटिबंध या आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं, इसी प्रकार 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से, तथा 66.5 अंश को हम अंटार्कटिक वृत्त या दक्षिण ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री,
के अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं और यह किस प्रकार है आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसे हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। चौथा है विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 इंच दक्षिणी अक्षांश, इसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ दिया गया है ताप एवं ताप के कटिबंध, कटिबंध तो क्षेत्र हैं, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष भर एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। चलिए इसे समझा दें आपको। देखिए यहाँ पे इस चित्र में देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा ये है, यहाँ पे ये कर्क रेखा है, यहाँ पे ये मकर रेखा है, इसके जो बीच के क्षेत्र है इसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, अर्थात मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के जो क्षेत्र का मान होता है वह मध्यम रहता है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में भी यही स्थिति रहती है। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, अर्थात 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री जो है इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियाँ की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। चलिए इसको चित्रों में आपको दिखा देते हैं। देखिए यह देखिए जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण तरफ यह देखा गई हुई है, जब यह उत्तर की तरफ बढ़ती है तो ध्रुवों के पास यह देखिए आपस में मिल जा रही है तो इनके बीच की दूरी कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा दूरी होती है वह कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। यहाँ पे आपको चित्र में दिख भी रहा होगा सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम तक इसकी गणना करते हैं। यदि हम ग्लोब को बना दें और यहाँ से मान लें कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर 180 देशांतर रेखाएं होती है, इसके पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती है, तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा टोटल 360। इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 देशांतर रेखाएँ हो जाएंगी। चलिए पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर
एक ही रेखा पर स्थित है, अर्थात जो जाके पीछे मिलती है वह 180 डिग्री केवल एक ही रेखा है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं निशांतरी या उत्तर के द्वारा बनी ग्रीड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं निशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी निशांतर पर स्थित है। यदि हम कहें कि यह 26 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा है, इस पर कौन सा क्षेत्र स्थित, धुबरी, मान ली धुबरी यहाँ स्थित है, तो आप यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे आप। यदि आपको ढूंढना होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि 26 डिग्री ये हो गया आपका क्या अक्षांश रेखा और 90 डिग्री ये, जहाँ पर यह मिलेगा वहाँ तुरंत ढूंढ लेंगे कि धुबरी क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, समझाया ना मैंने आपको, ऐसे काटती है और यहीं पर धुबरी क्षेत्र स्थित होगा, यही धुबरी का सही स्थिति होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे और ऐसे रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तथा क्षैतिज रेखाओं की संख्या क, ख, ग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन वृत्त को अ, ब, स, द नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी दिशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए अब देखेंगे ये आप वृत्त अ और ख उत्तरी अक्षांश, अ और ख उत्तरी अक्षांश एक पूर्वी दिशांतर पर स्थित है। देखिए यहाँ पे यहाँ दिखाया गया, देखिए मान लीजिए ये अ है तो यह एक डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसे आप चित्रों के माध्यम से यह प्रयोग करके आप इसे आसानी समझ सकते हैं। यदि आप अक्षांश और दिशांतर को और अच्छे से ब्लैकबोर्ड पर समझना चाहते हैं तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ भारत भूगोल की सीरीज है, वहाँ पर आप भारत भूगोल में अक्षांश और दिशांतर रेखाओं को खोल कर काफ़ी अच्छे से उसे आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं दिशांतर और समय। यह बहुत ही टफ टॉपिक थोड़ा है, इसे आप ध्यान से समझिएगा और इसे हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चलिए देखिए, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, मतलब जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जैसे कहने का मतलब ये ग्लोब है, सॉरी ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, तो जो पृथ्वी घूमती है वह ऐसे घूमती है, ये आपका वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। भारत यहाँ पे है, लंदन यहाँ पे है, तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले भारत पे पड़ेगी उसके बाद लंदन में पड़ेगी, इसके कहने का मतलब यही है। चलिए आगे देखते हैं। जो पश्चिम में होगा उसकी गणना क्या होगी, देर से की जाएगी। अब देर से उसकी विधि क्या है, कैसे, लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर पूरा कर लेती है और 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि 360 डिग्री अक्षांश रेखाएं भी हैं। इस प्रकार वह एक घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यदि वह 360 में अगर हम 24 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15, अर्थात एक घंटे में 15 मिनट, एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और एक घंटे को हम मिनट में बदल दें, 60 कर दें और इसके 15 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, अर्थात 4 मिनट में पृथ्वी एक देशांतर या एक डिग्री घूमती है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 4 मिनट में पृथ्वी एक डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 पूर्व में समय होगा, क्या समय होगा, 15 डिग्री पूर्व। जब जानते हैं कि एक घंटे में 15 डिग्री पूर्व होती है तो यहाँ पे 15 में 4 गुणा करेंगे 60 मिनट, अर्थात एक घंटा बढ़ जाएगा,
यदि वहां पे 12 समय हो रहा था तो यहां पे 1 घंटा बड़ी कितना हो जाएगा, 1 बज जाएगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा। हाँ, ये बात जान लीजिए आप कि जो ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व में समय बढ़ेगा, इसके पश्चिम में समय घटेगा। यदि यहाँ 12 बज रहा है और इधर हम 15 डिग्री बढ़ते हैं तो 1 घंटे का समय बढ़ जाएगा। यदि पश्चिम में बढ़ते हैं हम तो 1 घंटे का समय पीछे हो जाएगा, यहाँ पे 11 बजेगा। इसे आप अच्छे समझना चाहते हैं तो आप हमारे भारत भूगोल सीरीज में जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है बोर्ड के माध्यम से। चलिए, वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पे मध्य रात्रि होगी। यदि इस 0 डिग्री पे दिन है, इस 0 डिग्री पे दिन है तो ठीक इसके पीछे क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर किसी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो आगे देखते हैं हम, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय में अंतर। हर देश का अपना एक मान होता है, एक देशांतर होता है, उसी के अनुसार उस देश का जो समय होता है वो होता है। चलिए हम बात करते हैं भारत का, जो भारत का मानक समय है वो क्या है। चलिए देखते हैं, देखिए ये भारत है तो भारत में से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गई हुई है, ऐसे बहुत सारी गई हुई है। हर पे समय, हर देशांतर पे लगभग 4 मिनट का समय का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार बहुत असुविधा हो जाती है, वायु परिवहन, रेल परिवहन में बहुत समय हो जाता है। सुबह सबसे पहले यहाँ होगा, उसके 2 घंटे के बाद यहाँ होगा, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले होगी और अहमदाबाद अर्थात गुजरात में लेट होगा। इस प्रकार 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इस अंतर को दूर करने के लिए एक मानक समय मान लिया गया, भारत का एक मानक समय मान लिया गया, जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, अर्थात ग्रीनविच से 82 डिग्री आगे है। चलिए इसको देखते हैं, पढ़ के बताते हैं आपको। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी तय करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये जो रेखा गई हुई 82.5 डिग्री यह भारत का मानक समय है। उस रेखा पर जो भी समय होगा वह पूरे भारत में वही समय मान्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच अंतर क्या है? अभी हमने आपको बताया कि इंग्लैंड में 0 डिग्री है कि देशांतर से हुआ, वहाँ 0 डिग्री से हुई थी, और भारत का जो है वह 82.5 डिग्री है, अर्थात भारत इंग्लैंड से 82.5 डिग्री आगे है, अर्थात वहाँ का समय भारत का समय इंग्लैंड से आगे होगा। यदि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो अगर हम 82.5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आ जाएगा आपका 330 मिनट आ जाएगा। इसे अगर घंटे में बदलेंगे तो 6 × 25 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात इंग्लैंड और भारत के समय के बीच में 5-5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है, यह लंदन में मैच 2 बजे है तो भारत में कब होगा, 5 घंटा बाद 7:30 बजे शुरू होगा। यही कारण है कि समय में अंतर हो जाता है मैच का। भारत ग्रीनविच से पूर्व 82.5 डिग्री स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तब भारत में 7:30 होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय जोनों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 देशांतर है। यह प्रश्न यहाँ बन जाता है
कि पूरे कितने मानक समय माने गए हैं, तो पूरी पृथ्वी पर 24 मानक समय माने गए हैं, जो एक एक घंटे में बदल, एक एक घंटे को माना गया है, 24 घंटे होते हैं जो 15-15 डिग्री देशांतर पर विभाजित है। तो यहाँ पे आपका यह लेसन पूरा हुआ, हम ज्योग्राफी कक्षा 6 का लेसन 2 कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लेसन 3 पे चर्चा करेंगे और इसी प्रकार यह सीरीज आगे बढ़ता रहेगा और जल्दी ये ख़त्म होगा। इसके बाद अगले कक्षा 7 का ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।